आज की वीडियो में बात करूंगी मैं IDBI रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में, जहां पर आप जानेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है और कौन इसे अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, सब कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो चलिए, रिक्रूटमेंट जो निकाला गया वो है एग्जीक्यूटिव के रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाला गया, जो कि आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अब आप ये मत सोचिए कॉन्ट्रैक्ट बेस का रहेगा तो 3 साल बाद आप निकल जाएंगे, आगे आप पूरा वीडियो देखिए तो पता चलेगा, ठीक है। तो जो वैकेंसी निकाली है इन्होंने निकाली है एग्जीक्यूटिव की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली है। स्टार्ट एप्लीकेशन हो चुकी है, यहाँ पर मैं आपको लास्ट डेट बता दे रही हूँ। तो लास्ट डेट है 18 अगस्त 2021, ठीक है। वहाँ तक आपको फी भी पेमेंट वहीं तक होनी है और 18 तारीख तक लास्ट आपकी डेट रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने वो रखी है कि आपके पास में ग्रेजुएट होना, मतलब आपके पास में ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन पास हैं। और साथ में यहाँ पर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट रखा है वो ये है कि यहाँ इन्होंने परसेंटेज रखा है, अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में होने चाहिए केवल 50%। वहीं पर अगर आप बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी यानी कि जनरल OBC और जो भी अदर कैटेगरी है, तो वहाँ पर यहाँ आपकी जो परसेंटेज मार्क्स मांगे गए हैं वो होने चाहिए 55% मार्क्स आपके होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, जो एज लिमिट है वो रखी गई है मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए निकाली गई है 373 और SC 138, ST 69, OBC 248 और जो PWD है और EWS के लिए 92, अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी आप ये समझिए 900 प्लस के ऊपर ही यहाँ पर वैकेंसी है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुछ जैसे CGPA सिस्टम होता है तो उस हिसाब से भी यहाँ पर दिया हुआ है। अभी जो नेक्स्ट आता है एक्टिविटी के बारे में, तो जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 अगस्त से, लास्ट डेट है 18 अगस्त है और जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन जो डेट है वो यहाँ पर आप 5 सितंबर मान के चलिए, अभी इन्होंने टेंटेटिव दी हुई। अब आगे हो सकता है डेट बढ़ सकती है, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस होने वाला 3 साल का वो किस तरह से होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर का होगा, उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर सेकंड ईयर में आप जाएंगे, फिर सेकंड ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर थर्ड ईयर का जो परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस के बेस पर जो एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने नोटिस दिया वो ये दिया है कि अपॉइंटमेंट्स में बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए इन IDBI बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्ट बाय IDBI, ठीक है। तो IDBI जो प्रोसेस कंडक्ट कराएगा सिलेक्शन प्रोसेस, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पर काम करेंगे, अपनी सर्विस देंगे, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपके लिए जो सैलरी मिलेगी पर मंथ 29,000, सेकंड ईयर के लिए मिलेगी 31,000 मतलब 31,000 और जो लास्ट ईयर रहेगा उसके लिए मिलेगी 34,000 यहाँ पर सैलरी होगी। बाकी नेशनलिटी है तो मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अलग अलग दिया है। एज लिमिट है आपकी 20 से 25 साल और जो कैटेगरी रहेगी उसके हिसाब से एज लिमिटेशन होता ही है, 5 ईयर्स 3 ईयर्स 10 ईयर्स SC ST PWD के हिसाब से, ठीक है। वो आप यहाँ पर रहेगी तो आपको मिल ही जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा मैंने बताया 55% ऑल अदर के लिए, SC ST PWD के लिए 50% मार्क्स यहाँ पर मांगे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप फीस मतलब इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो फीस भी पता होनी चाहिए थी कि जो फीस आपकी रहेगी वो रहेगी जो अदर कैटेगरी के रहेंगे उनको 1,000 पे करना है और जो SC ST PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको केवल 200 रुपये यहाँ पर पे करना होगा, एप्लीकेशन फीस ये इनका चार्ज हो जाएगा। अभी इम्पॉर्टेंट देखते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न भी देख लीजिए, तो एग्जाम पैटर्न जैसे कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है उस हिसाब से होना है, फिर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि किस क्या एग्जामिनेशन यहाँ पैटर्न रखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए पेनल्टी लगने वाली है, रॉन्ग आंसर के लिए आपका 0.25 नंबर यहाँ पर मार्क्स आपके काटे जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट होगा आपका, तो नंबर ऑफ पार्ट आप देख लीजिए, तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेगा, टेस्ट ऑफ वर्किंग इंग्लिश नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो टेस्ट रहेगा उसके लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स रहेंगे, ओवरऑल 150 नंबर का पेपर होगा और आपको मिलेंगे केवल 90 मिनट का टाइम, ठीक है। पेनल्टी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। और
इसके अलावा जो मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे तो ये अपने हिसाब से वैकेंसी के अकॉर्डिंग बुलाएंगे कैंडिडेट्स को। फिर उनका यहाँ पर क्या होगा, प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर रखा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन और ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी मेड बेस्ड ऑन एप्लीकेट मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स रहे ऑनलाइन टेस्ट उस हिसाब से यहाँ पर एक लिस्ट बनेगी, फिर आपको वहाँ पर ये मतलब सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो में सिंपल सा छोटी सी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी जा करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और लेकर आऊँगी एक नया टॉपिक और मिलते हैं अगले वीडियो में।